जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य देख रहे थे और आपको बता दें कि हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पहुंच चुके थे, ठीक है। और आधुनिक काल में हमने दोस्तों भारतेंदु युग देख लिया था, तो आज हम द्विवेदी युग से शुरू करेंगे। दोस्तों ठीक है, मगर उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े चैनल से, तो आपके लिए मैंने दोस्तों वीडियो के लिए फुल तैयारी कर रखी है। वीडियो हो या फिर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए संपूर्ण जीके और हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा साथियों, आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो नीचे आपको दिखेगा UP SSSC वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी के सभी चीज़ें आपको एक क्रम में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य के देखिए ये प्लेलिस्ट है, और हिंदी के दोस्तों ये प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, और संपूर्ण दोस्तों संविधान की ये है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। इस पर क्लिक करके आप एरो पे नीचे जाएंगे तो सब कुछ बकायदा दोस्तों हमने करा रखा, तो एक बार जा करके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं द्विवेदी युग के बारे में, ठीक है। द्विवेदी युग को आपको बता दें कि देखिए पहला युग कौन सा था आधुनिक काल का, भारतेंदु युग। अब दोस्तों द्विवेदी युग जिसको हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं ना, उसको जागरण काल कहते हैं, इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा, और समय अवधि क्या बताई 1900 से 1918। वही बात कर ले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ने, तो इन्होंने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान, देखिए प्रथम उत्थान किसको बोला था भारतेंदु युग को, तो इनको बोला नई धारा द्वितीय उत्थान। दोस्तों इसका समय अवधि क्या बताया 1893 से 1918 तक बताया, ठीक है। अब चलिए, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा आपका कई एग्जामों में कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। देखिए हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें पता क्यों कि दोस्तों जो द्विवेदी जी थे ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमारे रायबरेली के थे, है ना, हमारे रायबरेली जिले के थे। बताइए कितना बड़ा सम्मान है हमारे रायबरेली का, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम बढ़ाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका UPSSSC तक में, ठीक है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं दोस्तों, तो 1864 से 1938 तक दोस्तों इनका जन्म 1864 में, मृत्यु 1938 में, कहाँ दोस्तों रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको बता दें दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल जी है ना, ये कहते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, मतलब कि इतना अच्छा इनका काम था, ठीक है। चलिए अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 280 ग्रंथ हैं। इसके प्रमुख कुछ काव्य ग्रंथ जैसे काव्य मंजूषा, दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, काव्य मंजूषा पूछा गया, सुमन हो गया, कान्य कुब्ज, अबला विलाप हो गया, और देवी स्तुति शतक। आपको काव्य मंजूषा याद कर लेना, क्या कर लेना है दोस्तों, काव्य मंजूषा याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों विनय शतक भरतरी दोस्तों, ठीक है, विराट वाटिका, स्नेहमाला, और गंगा लहरी ऋतु तरंगिणी, दोस्तों गंगा लहरी भी याद कर सकते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए इनके जो काल में यानी कि आपके द्विवेदी युग में दोस्तों कुछ और कवि थे उनके बारे में देखते हैं। श्रीधर पाठक दोस्तों बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आपके UPSSSC में पूछा गया कि खड़ी बोली के स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके गए पॉइंट कि खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, श्रीधर पाठक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये चीज क्या है कि श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन है, गुणवत हेमंत, तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी दोस्तों, ठीक है, किस उसमें लिखी गई, तो लावणी या ख्याल में, ठीक है, शैली। तो दोस्तों एकांतवासी योगी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो किसके द्वारा लिखा गया, श्रीधर पाठक द्वारा दोस्तों, एकांत इनके रचनाओं में आप ये रखेंगे एकांतवासी योगी, ठीक है, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीधर पाठक संबंधित है। और ये दूसरा दोस्तों क्या कि खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं, ठीक है, कौन है, श्रीधर पाठक जी। चलिए अब दोस्तों मैं बता दूं कि श्रीधर पाठक की कुछ रचनाएं और भी हैं,
जैसे दोस्तों आपको क्या याद रखना, तो इनमें से दोस्तों जैसे कि वनाष्टक हो गया, ठीक है, और कश्मीर सुषमा दोस्तों, ब्रजभाषा में लिखा गया कश्मीर सुषमा, ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब आपकी बात आती है दोस्तों, देखिए हरिऔध जी, अध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी दोस्तों किस काल के थे, तो द्विवेदी युग के ही प्रमुख कवियों में से एक थे। अब देखिए हरिऔध के बारे में बता देना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा दृष्टि से हरिऔध की रचनाएं हैं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको बता दें कि हरिऔध को दोस्तों डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक काल के सूरदास किसको कहा जाता है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किसने कहा था, गणपत चंद्र गुप्त ने। अब देखिए इन्होंने तीन प्रबंध काव्य लिखे दोस्तों, तीनों के तीनों ना मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है प्री प्रवास, अब देखिए मैं प्री प्रवास के बारे में बताऊं ना, तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्री प्रवास किसने लिखा, तो उपाध्याय जी ने, ठीक है। पारिजात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास दोस्तों यूपी टेट में कई बार पूछा गया, तो तीन रचनाएं इनकी याद रख लेंगे, प्रबंध काव्य है प्री प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है पारिजात दोस्तों, और वैदेही वनवास, सीता जी को जो वनवास हुआ था तो आपको पता कहां हुआ था, कहां रहते सीता जी, तो अयोध्या में, तो अयोध्या सिंह हरिऔध, ऐसे याद रखेंगे। किसकी रचना है दोस्तों, वैदेही वनवास, वनवास किसको हुआ था दोस्तों, राम जी को, राम कहां थे, अयोध्या में, तो अयोध्या उपाध्याय जी की रचना है कौन सी, वैदेही वनवास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि प्री प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, आपको पता होगा ये चीज, हम बता भी चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनके कुछ और रचनाएं हैं, जैसे दोस्तों चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, है ना, और दोस्तों चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, इसके अलावा ये तीन तो आपके लिए दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। चलिए आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त, क्या दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, आपको बता दें दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मैथिली शरण का जी का गुप्त का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, झांसी में हुआ था, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, याद रख लेना, ठीक है। इनके गुरु कौन थे दोस्तों, तो गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे, क्या थे, इनके गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, और इनकी प्रथम कविता कौन थी, हेमंत थी, क्या थी, प्रथम कविता हेमंत थी। और इनके अगर काव्य ग्रंथ की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, देखिए जिसको हम निशान मारे दोस्तों उसको जरूर याद रखना, ठीक है, जयद्रथ हो गया दोस्तों, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया दोस्तों, ठीक है, यशोधरा, द्वापर और जय भारत, ठीक है, जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती, यशोधरा और द्वापर जय भारत, ठीक दोस्तों, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और दोस्तों अनुदित काव्य कौन कौन से, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और बृहत संहार, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा, ठीक है, क्या दोस्तों कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना है, ठीक है, साकेत रचना, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा था, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, ठीक है, ज्यादा, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने के लिए दोस्तों महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो भारत भारती, राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, गुप्त जी को, क्यों, क्योंकि उन्होंने भारत भारती रचना लिखी थी जिससे महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए अगले हैं गिरधर शर्मा नॉर्थ, दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, परीक्षा दृष्टि, वैसे दोस्तों इनका एक अलग ही अपना योगदान है, ठीक है। चलिए लोचन प्रसाद पांडे जी, इनसे भी कुछ ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्याम नारायण पांडे, इनकी रचना है जौहर और हल्दी घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जौहर और हल्दी घाटी किसकी है, तो श्याम नारायण पांडे जी की, ठीक है, किसकी है, श्याम नारायण पांडे जी की। तो आपने दोस्तों देख लिया द्विवेदी युग, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे छायावाद युग की, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। छायावाद युग 1918 से 1936 तक चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको छायावाद के बारे में, देखिए हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में
छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। और आपको बता दें कि याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुकुटधर पांडे द्वारा लिखित रूप से, है ना, मुकुटधर पांडे लिखित रूप से छायावाद शब्द प्रयोग करने वाले मतलब प्रयोगता स्वीकारे जाते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग इन्होंने लिखित रूप से किया था, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों कि इनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो देखिए शुक्ल जी किसको मानते हैं, मैथिल शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को, और नंद द्वार वाजपेयी किसको मानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को, और प्रभाकर माचवे किसको, खल्ला चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद को अन्य विद्वान मानते हैं। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। मगर दोस्तों ये आपसे याद रखना कि आपसे पूछेगा कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो प्रसाद पंत निराला वर्मा क्या, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। छायावाद के 4 स्तंभ या फिर चतुष्क कवि कौन कौन से हैं, तो प्रसाद पंत निराला वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि छायावाद के बृहत्तरी कवि तथा देखिए इसमें कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न है, जैसे कि ब्रह्मा किसको कहते हैं, तो छायावाद का ब्रह्मा किसको कहते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को, और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु जी कहते हैं, और निराला को महेश जी की उपाधि देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों छायावाद की लघुत्रयी किसको कहते हैं, तो महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा, भगवती शरण वर्मा। चलिए अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो साथियों अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, तो इनके गुरु थे मोहिनीलाल, ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इनके नाम क्या है दोस्तों, इनके उपनाम क्या थे, झारखंडी और कलाधर। दोस्तों कलाधर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रचनाओं की बात कर ले दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिए उर्वशी तो दोस्तों इनकी रचना है, मगर दोस्तों सबसे ज्यादा उर्वशी के लिए कौन प्रसिद्ध, दिनकर जी, क्योंकि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर उर्वशी दोस्तों ये क्या है, इनकी कृतियां हैं, उनका काव्यखंड है, तो उनका वाला ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो अब चलिए इसमें दोस्तों बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों में, तो देखिए आपको बता दें झरना, आंसू और लहर और कामायनी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 4 रचनाएं याद रखें दोस्तों, कामायनी अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए इनको कलाधर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ अब यहां से देखते हैं क्या दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी, उर्वशी है, यह चंपू काव्य आप जानते हैं जिसमें गद्य और पद दोनों रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है, जिसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं, तो जयशंकर प्रसाद के जो आंसू है दोस्तों, इसको हिंदी का मेघदूत कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी का मेघदूत, ठीक है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसको कहा गया, तो दोस्तों किसको कहा गया, झरना को, ठीक है। अब देखिए कामायनी दोस्तों, इनकी रचना कामायनी बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें 15 सर्ग हैं, कितने 15 सर्ग हैं दोस्तों, और इसके पात्र कौन कौन से, मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेट वाले पेपर में या टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि कामायनी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं और कितने सर्ग हैं दोस्तों, सर्ग कितने हैं, 15, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना, किसने, शांति प्रसाद ने, ठीक है। चलिए दूसरे कवि हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोस्तों याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, इनका जन्म दोस्तों पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में हुआ था, राम सहाय त्रिपाठी इनके पिता थे, पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, मनोहरा देवी, और इनकी मृत्यु प्रयागराज में, इनके पुत्री का नाम दोस्तों सरोज था, इनकी मृत्यु जाते दोस्तों ये बहुत टूट जाते अंदर से, प्रथम संग्रह इनका अनामिका था, अंतिम संग्रह कौन था, सांधिका कली, और प्रथम कविता दोस्तों जूही कली, जिसमें मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किया गया, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए निराला जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है, ठीक है। अब देखिए ये आगे का कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इनकी जो लड़की थी दोस्तों, बेटी थी सरोज, वो मर जाती है दोस्तों, तो उनकी याद में एक शोक गीत लिखते हैं, याद रखेगा कि निराला कृत सरोज स्मृति नाम था उसका, कि अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखते हैं, उसको सरोज स्मृति कहते हैं। ये दोस्तों हिंदी का सर्वश्रेष्ठ
प्रथम तथा प्रथम लोक शोक गीत है। शोक गीत है ना, शोक के समय गाया जाने वाला शोक गीत दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ शोक गीत या फिर हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा, यही आप सरोज स्मृति, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं, जैसे सरोज स्मृति है ना, सम्राट एडवर्ड के प्रति और राम की शक्ति पूजा, रेखा व तोड़ दी पत्थर, आपने देखा होगा सुना होगा ना, तो ये चीजें आपको याद रखना। और कविता दोस्तों, ठीक है, जूही कली दोस्तों, ठीक है, जूही की कली, ठीक है, जूही कली दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे। चलिए अब दोस्तों है प्रकृति का सुकुमार यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को, इनको बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार। इनका जन्म कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। बाल्य में इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, इनका गुसाई दत्त कहते थे। और प्रथम कविता इनकी गिरजे घंटा था ना, और प्रयागराज में इनकी मृत्यु होती। दोस्तों आपको बताते हैं कि इनके दो दोस्तों कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने दोस्तों आपको बता दें कि चार चरणों में बांटा अपनी रचनाओं को, इनके रचनाओं चार चरणों में बांटा गया, क्योंकि छायावादी में भी थे, प्रगतिवादी में थे है ना, अनिश्चेतनावादी में और नव मानवतावादी में भी इन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ग्रंथी वीणा पल्लव गुंजन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, युगवाणी युगांत ग्राम्या, ठीक है, किरण स्वर्ण धूल स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूली दोस्तों। अब कला और बूढ़ा चांद दोस्तों आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और चिदंबरा दोस्तों इनके लिए अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखेंगे, अगर इनकी बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहीं पे आपको बता दें दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है, और पंत की चिदंबरा को दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए इनकी जो रचना है चिदंबरा, इसके लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। चलिए तो चीज समझ चुके हैं, चलिए अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। ये दोस्तों कवित्री थी है ना। अब देखिए इनका जन्म फरुखाबाद में, ये दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो फरुखाबाद है दोस्तों। इनका निकनेम क्या है, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा जी को, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप बता दें कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, और इनकी काव्य कृतियां क्या हैं, तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा दोस्तों, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ठीक है, और यामा के लिए हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं उदय शंकर भट्ट की रचना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, राम कुमार वर्मा की, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कवि दोस्तों, इनमें देख लेते हैं कुछ, माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना, क्या हिम तरंगिणी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, याद रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों बालकृष्ण नवीन दोस्तों, इनका एक रचना है दोस्तों हम बिस्पाई के जन्म ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल, मेरे दोस्तों याद रखेंगे। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की जब बात करते हैं, क्या माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा था, क्या माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा था, और इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा, आपने सुना होगा कि चाह नहीं मैं सर्वबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो वो दोस्तों किसकी है, मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ठीक है। आपको बता दें कि सिया राम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त के क्या थे, अनुच्छेद, इनके छोटे भाई थे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग जिले में निहालपुर गांव में, ठीक है। और इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कविताएं कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, कौन कौन सी हैं, तो झांसी की रानी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, झांसी की रानी, यही याद रखेंगे केवल, झांसी की रानी किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, किसकी दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, हाँ जी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में याद रखना, इनकी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, मधुशाला दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुशाला तो दोस्तों कई बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है, कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बाकी दोस्तों
अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक कहते हैं। दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है आपके यूपी पुलिस में, तो हालावाद का प्रवर्तक किसको बोलते हैं? हरिवंश राय बच्चन। हाँ से हरिवंश राय बच्चन और हाँ से हालावाद, है ना। और बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है, ठीक है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना था। क्या? हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना था किसको? रामेश्वर गुप्ता जी को, ठीक है। तो ये चीजें आप बहुत ही अच्छे समझ चुके होंगे। और हमने दोस्तों द्विवेदी युग, छायावाद युग हमने देख लिया, छायावाद के चार स्तंभ भी देख लिए, है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आपको बता दोस्तों दोस्तों हमारी ई बुक है, आप इसे परचेज करना चाहिए कर सकते हैं। तो पूरा संपूर्ण हिंदी जो हमने पढ़ाया है, हिंदी साहित्य दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में, ठीक है। इसमें दोस्तों और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि हिंदी साहित्य में सभी पुरस्कार हो गए, उपनाम हो गए, कवियों के जन्म स्थान, रचनाएं, सब कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। ले सकते हैं किस नंबर पर? गूगल पे, फोन पे करके 7905419251 पर दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी साहित्य की भी ले सकते हैं दोस्तों, और हिंदी ग्रामर की भी 50 रुपये की है। देखिए चार ई बुक हैं, ठीक है। एक दोस्तों हिंदी साहित्य की, ये 50 की, और हिंदी ग्रामर की दोस्तों ये 50 की, और हिंदी भाषा की दोस्तों ये 25 रुपये की, भाषा बोलियों की, और ये पत्र लेखन 25 रुपये की। अगर टोटल चाहिए 150-150 रुपये, और अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।